हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप घर पर ही स्ट्रेट हेयर काट सकते हैं अपने खुद से, वो भी आपको कहीं सलून या पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। सो उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है ये इस तरीके का कॉम जिससे आप अपने बाल सुलझाएंगे, नेक्स्ट ये इस तरीके का कॉम ताकि आप मांग निकाल सके सही, और आपको चाहिए होंगी रबर बैंड एंड सीजर। सीजर ऑब्वियसली बाल कट करने के लिए शार्प होनी चाहिए आपकी सीजर, और ये इस तरीके का मिरर ताकि आप पीछे अपने बालों को देख सकें, ठीक है, क्योंकि आप खुद से काट रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको मिरर चाहिए होगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मतलब आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो देरी ना करते हुए सबसे पहले आप अपने हेयर वॉश करके ऐसे सुखा लीजिए और अच्छे से कॉम कर लीजिए अपने बालों को। आप चाहें तो अगर आपकी ज़्यादा ही कर्ली हेयर है तो आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, पर मेरे ठीक ठाक बाल है, मतलब एकदम इतने कर्ली भी नहीं है। सो मैंने यहाँ पर अपने बाल कॉम करके और ये तरीके बीच की मांग निकाल ली है, क्योंकि मैं नॉर्मली ज़्यादातर बीच की मांग निकालती हूँ। अगर आप साइड की मांग हमेशा प्रीफर करते हैं तो आप साइड की मांग निकाल के अपने बालों को कट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर की मांग बिल्कुल स्ट्रेट निकाल ली है, वो जो नुकीली सी कंघी थी जिसकी एंड नुकीली थी उस तरह की कॉम्ब आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट मांग निकालने के लिए। अब काम आता है आपके रबर बैंड का, तो आपको इस तरीके का रबर बैंड लेना है, एक छोटा सा पतला सा, मतलब अकॉर्डिंग टू योर हेयर ग्रोथ। मेरे यहाँ पे बहुत ही हैवी बाल है, ये छोटे मोटे रबर बैंड मेरे बालों में ढंग से फिट नहीं होते हैं। देखो मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस रबर बैंड को लगाने के लिए। सो आपको ये रबर बैंड लगाना है, बिल्कुल आपको लो पोनी बांधनी है और बिल्कुल मिडिल में बांधनी है, ठीक है। सो आप बाद में मिरर से चेक भी कर सकते हैं कि मिडल में है या नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने लो पोली बांध ली है बिल्कुल मिडल में। अब हम नेक्स्ट रबर बैंड लगाते हैं इसी तरीके से, उसको थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, ऊपर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। आपके जितने लंबे बाल होंगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े आपको ज़्यादा रबर बैंड चाहिए होंगे। मेरे मिडल हेयर है लेंथ की, सॉरी मेरी लेंथ हेयर मिडल है, सो मेरे को यहाँ पे तीन रबर बैंड चाहिए थे। सो देखिए इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे तीनों रबर बैंड को लगा लिया है और अच्छे से एडजस्ट कर लिया है बीच में। और अभी मिरर का यहाँ पे यूज़ आता है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके ठीक से लगा है रबर बैंड, पोनी आपकी बिल्कुल मिडिल में है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला रबर बैंड है उसको हम खिसका के नीचे ले जा लेंगे, वहाँ तक ले जा लेंगे जहाँ तक हमको अपने हेयर्स को कट करना है, मतलब उससे ऊपर ऊपर के बाल रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला भी खिसका लिया और सेकंड वाला भी खिसका लिया है, ताकि एकदम जो स्ट्रेट मेरा कट है, जो नीचे वाले मेरे बाल है जो रबर बैंड से नीचे हैं, वो कितने ज़्यादा डैमेज हो रखे हैं, कितने ज़्यादा स्प्लिट एंड्स और कितने रफ लग रहे हैं। लेकिन गाइस आप ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा खिसकाइए, क्योंकि इतने बाल तो आपको काटने ही काटते हैं, उसके बाद भी थोड़े से एक्स्ट्रा बाल कटते हैं फिनिशिंग की वजह से। तो थोड़ा सा आप थोड़ा लंबा ही रखिए, कभी आपके बाल ज़्यादा ही छोटे हो जाएँ और फिर आप बोले दीदी आपने बताया नहीं था। सो यहाँ पे देखिए मुझे बड़ा दुख होता है जब भी मैं अपने बाल कट करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है, बट क्या करें, करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कट हो गए हैं मेरे हेयर्स और ये अभी भी वैसे काफ़ी स्ट्रेट लग रहे हैं, बट देखिए जब हम इनको खोलेंगे थोड़े से उल्टे सीधे लगेंगे ये हेयर्स, तो अभी तो बहुत स्ट्रेट लग रहे हैं, बट अब रबर बैंड हटा के हम देखते हैं। सो देखिए थोड़े से जो साइड वाइड के बाल हैं थोड़े से लग रहे हैं, हाँ थोड़े ऊंचे नीचे हो रहे हैं। अभी हम एक बार अच्छे से और कॉम कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत कोई बाल रह गया हो तो वो कॉम की हेल्प से नीचे आ जाए और हमें थोड़ा सा और अच्छी फिनिशिंग मिले अपने हेयर्स में। सो देखिए यहाँ पे वैसे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल अभी कट होने के बाद, और लग भी नहीं रहा है कि अभी इनको कुछ फिनिशिंग की ज़रूरत है, बट फिर भी थोड़ी सी हैं, वो कैमरा में इतना पता नहीं चलता है। अब आपको क्या करना है, जो आपने मिडिल की मांग निकाली थी उसी से ले जाते हुए पीछे से भी अपने बालों को हाफ हाफ मिडिल में पार्टीशन करना है। अगर आपने साइड की मांग निकाली है तब भी आपको पीछे तो सेंटर की निकालनी है, क्योंकि आपको हाफ हाफ अपने बालों को पार्टीशन करना है। ऐसा नहीं है कि साइड की निकाली है तो आप साइड से ही पीछे से हाफ पार्टीशन करेंगे, आप मिडिल से ही करेंगे, कोई बात नहीं। आगे आगे साइड की है तो कोई नहीं, पीछे आपको मिडिल से ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, हाफ हमने पार्टीशन कर लिया है, अब उस हाफ का भी हम हाफ हाफ पार्टीशन करेंगे और इस तरीके से रबर बैंड लगा लेंगे अपने हाफ बालों में, मतलब दोनों साइड में हम हाफ हाफ बालों में ऐसे
ऐसे करके रबर बैंड लगा लेंगे चारों तरफ। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा वीडियो को तेज कर देती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने आज तक कभी भी अपने हेयर सैलून में नहीं कटाए हैं, मैं हमेशा खुद से ही घर पर काटती हूँ। हाँ, मैं कलरिंग वगैरह कराने जाती हूँ तो वो लोग खुद से काट देते हैं, वो लोग काटते ही काटते हैं, चाहे उनको मना भी करें, वो बोलते हैं नीचे से बहुत डैमेज हो रही है ये वो, सो वो कट कर देते हैं। बट मैं स्पेशली कभी हेयर कट कराने नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे को स्ट्रेट हेयर भी हेयर ही पसंद करते हैं, और उसके लिए क्या सलून जाना, वैसे भी वो लोग स्ट्रेट हेयर का भी इतना चार्ज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं, ब्लो ड्रायर ये वो। इससे अच्छा है घर पे बिना खर्चे के आप खुद से ही हेयर कट कर लो, या फिर आप खुद से नहीं करना चाहते तो अपनी मम्मी वगैरह, यार स्ट्रेट तो कोई भी कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं बोल रही थी, आपको हाफ़ बाल करने हैं, फिर हाफ़ के भी हाफ हाफ करके उनमें ऐसे छोटे छोटे रबड़ बैंड लगा लेने हैं ताकि आपको कट करने में और इजी रहे। सो यहाँ पे देखिए, अब हम इनमें से देखेंगे, देखो ऊंचे नीचे हो रहे हैं ना बाल थोड़े से, तो इनको भी हम अच्छे से कट कर लेंगे, और हम ना थोड़ा सा रफली चॉप करेंगे, एकदम स्ट्रेट नहीं। अगर हम एकदम स्ट्रेट कट करेंगे ना तो अलग से ही लगेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो रहे हैं, थोड़े से आप रफली इनको चॉप कीजिए। ऐसे होता है ना जिगजैग मोशन में, ऐसे ऊपर ऊपर से कैंची को आपने देखा होगा सलून वाले किस तरीके से काटते हैं, वो बालों का ऐसे स्ट्रेट करके नहीं काटते, वो ऐसे खड़ा करके बालों को काटते हैं। तो ऐसे ही आपको कट करना है अपने बालों को, और जो भी एक्स्ट्रा आपको बाल लग रहे हैं पूरी पोनी में, उनको ऐसे छोटा 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 चॉप करते जाना है। यहाँ पे बस हल्की सी फिनिशिंग देनी है, लेंथ बाकी आपकी वही रहेगी जो आपने स्टार्टिंग में मतलब अपने बालों में मेज़र की थी, बस ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ ऊंचा नीचा, तो इसलिए हम इसको अच्छे से चॉप कर रहे हैं ताकि जो हमारी लेंथ है वो एकदम परफेक्ट आए और हमारे बाल बहुत ही सुंदर लगे। सो देखिए यहाँ पे मैं जो देखिए छोटे छोटे से बाल ही एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, इनको मैं चॉप करते जा रही हूँ। ठीक है, सो अभी सारे हो गए हैं तो मैं ये रबर बैंड निकाल रही हूँ, अब उसके बाद दोबारा से आप फिर अच्छे से कॉम्ब करेंगे। और यहाँ पर दोनों साइड में मैंने कॉम्ब कर लिया है, अब हम यहाँ से भी मेज़र एक बार फाइनली चेक कर लेंगे कि ऊंचा नीचा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। सो फाइनल ये फाइनल कट है, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका हेयर कट। उसके बाद हम दोनों तरफ से अच्छे से देखेंगे, कोई एक्स्ट्रा बाल तो नहीं निकल रहा है, ऊंचे नीचे तो नहीं लग रहे हैं। आप अच्छे से लेंथ मेज़र करके अपने बालों को चॉप करते जाएंगे छोटे 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 छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए हैं मेरा कंप्लीट ऑलमोस्ट, एंड यस नाउ इट्स कंप्लीट। और फाइनली आप अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे और फिर आप देखेंगे वाओ आपके बाल कितने अच्छे से स्ट्रेट कट हो गए हैं। आपको सैलून वगैरह कुछ भी जाके वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चार्जेस करते हैं, स्ट्रेट हेयर के भी इतने ज़्यादा चार्जेस लेने लगे ना सैलून वाले, ओ माई गॉड। सो यहाँ पे आप बिना खर्च किए घर पे आप खुद से कट कर सकते हैं। अगर आपको आगे से भी और छोटे बाल करने हैं, फ्लिक्स चाहिए तो वो भी आप काट सकते हैं। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना सकती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। सो मैं यहाँ पे इस मिरर से एक बार फाइनली चेक कर रही हूँ कि मेरे बाल ठीक से हो गए हैं ना।